राम राम जी। मैं तो ही उठी हूँ, 11 बज गए हैं, सॉरी 10 बज गए, 11 ना बजे पे। लेकिन अगर नुए सोते रहना तो 11 भी बज जाएंगे। चलो यार उठे लो, मैंने उठा ही नहीं, मम्मी ने सोचा सोना दे, सुबह जाओ हिम्मत मार के थोड़ी और शायद मम्मी ने मशीन लगा दी, कपड़े धोगी मम्मी आज, उठ ले शर्म कर थोड़ी सी भावना, मम्मी काम करे है। चलो तो गाइस, और सुबह सुबह देखियो सब तैयार है ना, न्यारे न्यारे पकवान बनेंगे स्पेशली भावना थी। उठते ब्रेकफास्ट करते, मम्मी बोली जाकर खाना बना ले क्योंकि आज मैं मम्मी बाहर जा रहे हैं, तो मैंने यार अपने बड़े वाले भाई के लिए रोटी बना दी क्योंकि उसने रोटी खानी थी। क्या बना रहे हो आज? आज आलू के परांठे बनाऊंगा। अच्छा, क्या मिला लिया आपने उस उसमें? इसमें हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। और ये क्या कर रहे हो बाप? ये हरा धनिया काटूंगी इसमें छोटा छोटा बारीक बारीक। अच्छा, फिर बन जाएंगे यम्मी यम्मी। नहीं बनाए तो मैं बनाऊंगी जो बनेंगे, तो बनेंगे ना आपके हाथों के प्यार से। तो ये लो जी, मम्मी ने परांठे बनाना शुरू कर दिए, जिस जिसने खाने हो बता दियो। तो ये पहला पराठा है मेरा क्योंकि मैं खा पी तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए। और ये देखो मम्मी एक और दे दे, मम्मी पहले ये तो खा ले। यमन आलू पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो मम्मी ने भर कर घी गेर दिया, बड़ी मम्मी वाली बात है, घी तो मस्ट है, हर चीज़ में घी के बिना कोई स्वाद नहीं है। ये देखो मम्मी अड़े और बना लग रही है अपने भी और छोटे वाले भाई के भी, क्योंकि नवीन की तो मैंने रोटी बना दी थी। यार कहाँ जा रही हूँ, लेट्स सी, देखते रहना। मेरा आ गया है कुरियर, कहाँ है कुरियर वाला? ये तो अच्छा हुआ मेरे जाने से पहले ही मेरा कुरियर आ गया था। अरे मैं कुरियर वाले भैया ने ढूंढ ला गई थी, मगर कहाँ हूँ, इस काम के कारण दिखते ना कड़े गड्ढे हैं, गलत रास्ते पे चले जाए हैं। और फाइनली इसमें कुछ खास नहीं, किचन का भाज गया। और फिर मैं चल पड़ी हूँ अपनी मम्मी के साथ, तो मैं और मम्मी आज जावे हैं नजर शॉपिंग करने, और केले का वो आप देख लेना। पर ये देखो रास्ता उससे पहले कितना ख़राब है, तो हम चल पड़े हैं। और ये देखो कितना मस्त रोड बना दिया हमारे यहाँ पे भी, कति हाईवे जैसा है, हाईवे जैसा क्या, पूरा ही हाईवे है ये देखो। फिर जैसे ही हम आंटी के घर पर पहुँचे, ये देखो आंटी ने भी ये ला कर रख दिए। मैं तो ना परांठे खा के आई थी, मेरे से नहीं खा जाएंगे, मैं खा के आई हूँ, बोली खाना तो तू खा लेगी। खाना क्या खाया? आलू के परांठे खा के आई थी, वो भी अड़ा है, चौमिन अड़ा जाऊंगी। अच्छा डाइट में? अरे ये चावल ये भी खा लूंगी। किसान रोटी खाओगी? हाँ मम्मी, किसान रोटी नहीं, परांठे में छोड़ कर अपने दो खाया ही, दो छोड़े। तू तेनू कहते मैं डाइट पे हूँ। कोई बात ना मम्मी, उसके बाद खा पी के फिर मैंने पी कोल्ड कॉफ़ी जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, मज़ा आ गया था। और मम्मी और आंटी चले गए थे शॉपिंग के लिए, मेरे को नहीं लेके गए, मेरे को यहाँ पे छोड़ गए। उसके क्या बाद होगी शॉपिंग? की शॉपिंग होगी, यहाँ तो कुछ ना हो गया। आज हम गलत टाइम पे कटे, गलत दिन में कटे। मम्मी चाय बना के किस में हिम्मत है आप में? मम्मी हो रही है बोल वाली धर लिए जाकर। सुबह ही कड़े थे, अभी 6 बज रहे हैं। सुबह क्यों लिकड़े थे? तो 12 बजे तो गए थे। 12 बजे क्यों लिकड़े थे? 12:30 बजे लिकड़े थे। अरे 1 बज रहा है, ओ सॉरी 6 बज रहे हैं। 6 क्यों बजे? फिर आए ना भी 1 घंटा हो गया हमने। हाँ ज्यादा है ज्यादा। मम्मी ने मेरी जैकेट भी 2 दिन वाली सूख जाएगी। मम्मी ना सब कहना धो दे है, इन्हें भी धो दे, चाहे वो 1-1/2 घंटा क्यों ना पह रही हो। बस आत्मा ही चाहिए आज, शायद मारा कोई काम ना हो यार। फाइनली यार हरी मंगल पा गए, डरदा हो रहा है, सीढ़ी बार चल रहा है। ओह माय गॉड यार, ये देखो दोनों भाइयों ने के नाश कर रखा है। अरे मैं दो को गई थी, किसी ने मैगी भी खा रखी है। मैगी है ना, परांठे भी खा रखे, परांठे भी मैगी भी यार। इतने का सने दोगा कौन? ये देखो सिंक दो को गए थे हम, दो को गई थी मम्मी।
गलत बात नहीं नहीं धोखे गई थी ये आपने यूज की थी लास्ट टाइम, मैं तो अपने धोखे गई थी। अबे यार लेकिन सही में कोई बर्तन तोड़ गर्प ये दे देने तो आज मैं करोड़पति होती। शिट 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 मैंने दिया बर्तन, मैंने धो ही दिए और ये मैं बनाऊँ रोटी। चून मैंने भेज दिया है और सब्जी क्या है, सब्जी अभी मेरे को नहीं पता क्या है, मम्मी डिसाइड करेगी क्या है। और मैं बनाऊँ रोटी, कोई नहीं रोटी बना दूँ मम्मी, स्टार्ट करो रोटी कर दूँ स्टार्ट। सब्जी क्या बना रहे हो? वो देखो दे अभी देखोगे तो रोटी बना दे, मैं आप बना लूँ सब्जी। ओके उसके बाद खाना बना कर मैं आ गई थी बाहर देखने थे कि काम चल रहा है। ये देखो एक पाइप और अंदर घुसा दी रीब, तो ये बस थोड़ा ही काम रह रहा है, थोड़े ही दिनों का काम रह रहा है, देखो कब तक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं खाना ले आई थी और खाना खाते टाइम टीवी देख लिया, फिर मम्मी थक गई थी, फिर मम्मी सो गई, फिर मैंने भी आगे नींद, क्योंकि आज का दिन पूरा बिजी वाला था और दोपहर में भी नहीं सोए थे हम और दिन में भी हम जल्दी उठे थे, तो मैंने आगे नींद। तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, राम राम।